प्राची शर्मा एंड आई एम द कंट्री हेड फॉर हरियाणा रीजन वेस्ट एंड ओवरसीज। जय माता दी सबको। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और आज हम वेस्ट एंड ओवरसीज की पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी नवरात्रि विश करते हैं। आज हम आपके लिए एक वीजा लेके आए हैं जैस्मिन गहलोत का। अब बिग कंग्रेचुलेशंस मैम ऑन योर कैनेडा स्टूडेंट वीजा। लेट्स डिस्कस हर प्रोफाइल डीपली। मैम का प्रोसेस एटलीस्ट 6 मंथ्स चला है क्योंकि इनकी मेडिकल का कुछ इश्यू था, वो हम इनसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बताइए जैस्मिन प्रोफाइल के बारे में अपना सारा कुछ। वेल आई एम 2016 पास आउट एंड आई डिड माय आईएलटीएस फ्रॉम हियर एंड स्कोर्ड द मार्क्स एंड क्रैक दैट एग्जाम वेल एंड देन आई मेनी स्टूडेंट्स वर कमिंग and so I decided to and they are getting the visas also, so I did ask Prachi ma'am and discuss all my profile and it's my personal belief that I want to go in a university, so then Prachi ma'am helped me out and she find a good university. Well, I'm going to Capilano University for the associate degree specialization in biology. It's a 2 years plan. Where it is located ma'am? It's in Vancouver ma'am, North Vancouver, British Columbia. Now my dream has been successful just because of Prachi ma'am and Pradeep sir, who were there for me every time. And I was having a medical issue. My file was there in a hospital for last 4 months and they were again and again going for my exams and going again and again for my medical terms issues, and then they took my so many obstacles came in between. But all were and good. Clear all the yes, all that thing. Everything was nailed because I was done my previously all the medical tests and they were also during that time nailed. So it is a very big thing for me that after 4 months of medical issue I got my visa. And thank you Prachi ma'am and Pradeep sir. And they always been overseas. Jasmine ke aaj father bhi hain sir. Congratulations, Jasmine ka visa aaya. Kafi worried the aap iski medical issue ki wajah se. सर बैंक मैनेजर है SBI बैंक में और काफी बार इनका आना जाना लगा रहा, काफी इश्यूज थे इसके पहले। बचपन में इसकी क्या प्रॉब्लम थी वो आप थोड़ा शेयर करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। बचपन में इसको पहले टीबी हो गई थी 2015 में, तो फिर इसका ट्रीटमेंट चला तो वहां से डॉक्टर ने इसको एक बढ़िया अच्छा ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई थी। और इसका यहाँ आईलेट की भी इन्होंने वेस्टर्न ओवरसीज से किया और शायद इन्होंने 1-1.5 महीना यहाँ पर आईलेट्स की प्रिपरेशन की और उसके बाद इसका 6 बैंड आया। और जो वेस्टर्न ओवरसीज जो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आईलेट्स की, और वीजा भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ये हैंडल करते हैं और बच्चे यहाँ से बहुत वीजा लेके फॉरेन को जा रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया ईमानदारी से यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम इसके लिए इनका वेस्टर्न ओवरसीज का बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये एडवांस में भी किसी तरह की कोई हमारे से कोई फीस नहीं लेते और सब कुछ ये काम होने के बाद ही पैसे लेते हैं। इसके लिए हम वेस्टर्न ओवरसीज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भी इतनी बढ़िया ईमानदारी से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। धन्यवाद। जैस्मिन की जब हमने फाइल लॉन्च करी थी, इन्होंने बताया कि मतलब फाइल हमने मेडिकल करवा के आए, फाइल लॉन्च नहीं करी थी, उससे पहले ही इनके पास एम्बेसी से मेल आ गई दैट यू नीड टू अंडरगो फ्रॉम सम एडिशनल मेडिकल टेस्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है, मैम का पहले प्रीवियस रिकॉर्ड बताया, पैचेस थे लंग्स में, उस वजह से इशू आ रहा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ऐसा कुछ इशू है, वो सोच रहे देखो टीबी होने के बाद भी इनका क्लियर था सब कुछ, इनका वीजा आया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप ओके हो तो बिल्कुल आपको एम्बेसी कंसिडर करेगी। तो हमने इनकी फाइल, क्योंकि उस टाइम पे रूल्स का इशू आ रहा था और इनटेक इनका निकलना जाए, हमने इनकी फाइल लॉन्च कर दी, बिकॉज शी वॉज प्रीटी मच श्योर कि रिपोर्ट्स बिल्कुल नेगेटिव ही आएंगी। इन्होंने ऑलरेडी प्राइवेट डॉक्टर से चेकअप कर रखा था एंड द रिजल्ट इज इनका मई इनटेक का ही वीजा आया है। ठीक है, हमें इनटेक डेफर नहीं करवाया इनका और रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल होके इनका वीजा आ गया। दैट इज अ बिग सक्सेसफुल। वेल आई प्रेफर एवरीवन टू कम हियर एंड इफ यू आर गोइंग हियर एंड देयर, आई जस्ट वांट यू टू जस्ट विजिट वन टाइम ओवर हियर एंड आई एम 100% श्योर यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम हियर। सो कम हियर, विजिट हियर and thank you ma'am and Pradeep sir for making my dream successful. thank you